जी सामीन, ये 91.5 कनेक्ट एफएम है, प्रोग्राम है मेरा पैगाम पाकिस्तान, और हूँ आपका मेजबान शहजाद अजी खान। सामीन, जैसा कि पहले मैंने अर्ज किया था कि आज का प्रोग्राम बहुत मुनफरद, बहुत स्पेशल है कि हमारी खुशकिस्मती है कि हमें ऑटोवा से पाकिस्तान के हाई कमिश्नर मोहतरम जनाब रजा बशीर तारड़ साहब ज्वाइन कर रहे हैं। मोहतरम रजा बशीर तारड़ साहब एक सीजन डिप्लोमेट हैं, 1964 में बॉर्न हुए, पाकिस्तान की फॉरन सर्विस ज्वाइन की 1987 में, और इसके अपनी डिप्लोमेटिक असाइनमेंट्स में उन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी बहुत जगह पे की। मनीला में रहे, ब्रसल्स में रहे, टोक्यो में, और देन न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस की भी जिम्मेदारियां उन्होंने संभाली। जिस वक्त वो न्यूयॉर्क में थे, वो पाकिस्तान के डिप्टी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थे यूनाइटेड नेशंस में, और डिप्टी रिप्रेजेंटेटिव थे यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान के मंदूब के तौर पर। उन्होंने हाई कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान कीनिया में भी सर्व किया। इसके अलावा जिस वक्त वो न्यूयॉर्क में थे, ही रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान को इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में रिप्रेजेंट किया, और बहुत सारे जो डेलीगेशंस थे उनको लीड किया एज ए पाकिस्तानी डिप्लोमेट के तौर पे। इस्लामाबाद में भी उन्होंने काफी जिम्मेदारियां माशाल्लाह संभाली। वो डायरेक्टर जनरल रहे हैं डिसआर्ममेंट के 2013 से 2015 तक। सो आइए वेलकम करते हैं मोहतरम जनाब रजा बशीर तारड़ साहब को। रजा साहब, अस्सलाम वालेकुम, मेरा पैगाम पाकिस्तान से आपको खुश आमदेद। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। सो मैं आगाज करना चाहूंगा, सबसे पहले तो आपको खुश आमदेद कहता हूँ खूबसूरत ब्रिटिश कोलंबिया से, और मैं इंटरव्यू का आगाज ये करना चाहूंगा कि आपकी जिंदगी को अगर हम रिवाइव करें, सो हमें थोड़ा सा बताएं आपका स्कूल कॉलेज, कहाँ से आपने तालीम हासिल की, और पाकिस्तान की सिविल सर्विस ज्वाइन करने से पहले जिंदगी कैसी थी? जी, पाकिस्तान फॉरेन सर्विस ज्वाइन करने से पहले ज़िंदगी तालिब इल्म की ज़िंदगी थी जी। और वैसे तालिब इल्म ही तो सारी उम्र ही चलती है। तो मैंने बेसिकली जी, आई स्टडीड एट दी एचिसन कॉलेज लाहौर, सर सैयद कॉलेज रावलपिंडी, एंड गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर। तो बस उसके बाद आई वाज रिलेटिवली यंग एंट्रेंट टू सिविल सर्विस। I joined at the age of 23 and I have been, you know, serving my country in my humble capacity ever since. MashaAllah. So 23 years ki age pe aapne civil services join ki thi. Ji ji. MashaAllah. So, Raza sahab, aapne duniya ke mukhtalif hisson mein Pakistan ki numaindagi ki hai. Jab aapko Canada mein batour High Commissioner tainat होने के मुतालिक इल्म हुआ, तो आपके जहन में तैनाती और आने वाले वक्त के हवाले से क्या महसूस थे, और ये जो नया साल है 2021 का, इसमें जो कनाडा और पाकिस्तान के जो बामी ताल्लुकात हैं उस हवाले से क्या आपकी तवक्कोआत हैं? जी बिल्कुल, कनाडा का देखें जी, एक तो मैं जब न्यूयॉर्क में था तो हमारा वहाँ कैनेडियन मिशन के साथ काफ़ी कोऑर्डिनेशन रहती थी, और टू बी ऑनेस्ट मैंने कनाडा की जो सिफारती सरगर्मियाँ हैं इनको बहुत मौसर पाया है। और अब ये कनाडा का ठीक है, किसी हद तक एक आप चैलेंज कह सकते हैं कि क्योंकि जोग्राफियाई महल वकू ऐसा है कि ला महाला कनाडा का कंपैरिजन हो जाता है अमेरिका के साथ, और जिस तरह पाकिस्तान का इंडिया के साथ किया जाता है। अब उसमें इट मे नॉट बी अ फेयर कंपैरिजन, लेकिन एक बात है कि कनाडा की हालांकि बड़ी डीप अलायंस है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, लेकिन ये है कि कनाडा का एक अपना तशख्स है और अपनी कंट्रीब्यूशन है एट द वर्ल्ड स्टेज एंड इंटरनेशनल फोरम। और कनाडा बड़ा एक रिस्पेक्टेड मेंबर है इंटरनेशनल कम्युनिटी का, और बड़ा अच्छी इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन है टू द इंटरनेशनल डिस्कोर्स ऑन मैटर्स विच ऑफ ग्लोबल इम्पोर्ट, जो मतलब बैनुल अक्वामी अहमियत के मामलात हैं, जिसमें इंसानी हकूक का तहफ़ हो गया, या जैसे ये माहौलियाती तगैर से जो जो तबाही हो रही है उसको जो है उसका मुकाबला करने के जो जो मतलब क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन रिलेटेड स्टेप्स हैं, जो एक्शंस हैं, उसमें कनाडा बहुत प्रोमिनेंट है। पीस के हवाले से भी ऑब्वियसली बिल्कुल पीस कीपिंग में। और फिर ये है कि तो मेरे महसूसात ये थे कि मुझे एक फीलिंग थी कि कनाडा के साथ हमारे मरासम का जो पोटेंशियल है
उसको रियलाइज़ करने के लिए एक जो है ना कोशिश ज़रूरी है। ये नहीं कि पहले कोशिश नहीं हुई, लेकिन जिस तरह है ना कि हमें थोड़ा सा उस रीजनल ओवरहैंग में से निकल के तो इस पे काम मज़ीद कोशिश करनी चाहिए। और उसमें ऑब्वियसली जो हमारा डायस्पोरा है वो दे कैन यू नो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो बड़े अच्छे महसूसात थे जी। बाकी ये है कि जाहिर है आपकी जो क्या कहते हैं शोरा आफाक सर्दी है और बर्फ़बारी है उससे दुनिया वाकिफ़ है, लेकिन ये है कि बहरहाल हमें उसका इतना खौफ नहीं था। और सो अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज समथिंग दैट वन लुक फॉरवर्ड टू। और मैं ये कहूँगा कि यहाँ आने के बाद जो मेरी एडमिरेशन है कनाडा के लिए, इसके लोगों के लिए, वो मज़ीद बड़ी है। एंड सो फार अल्हम्दुलिल्लाह इट हैज़ बिन यू नो अ वेरी रिवॉर्डिंग असाइनमेंट। उसमें ज़ाहिर है वो कोविड पेंडेमिक नॉट विदस्टैंडिंग, तो हमारी एक कोशिश है कि मज़ीद इसको जितना बेहतर किया जा सके, ताल्लुकात को वो किया जाए। फॉर श्योर। और ये जो पेंडेमिक में ये जो आपकी लीडरशिप में एक बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव शुरू हुआ है, ये जो कम्युनिटी मीटिंग्स है उसको खुली कचहरी का नाम दिया जा रहा है। सो मैं एज ए कम्युनिटी मेंबर और एज पर्सन जो मीडिया से भी वाबस्ता है, मैं यकीनन समझता हूँ कि आज के दौर में ये जो आपने ये इनिशिएटिव लिया, इससे कम्युनिटी को जोड़ने में जो हमारे कॉन्सुलेट जनरल ऑफिसेज हैं या हमारा हाई कमिश्नर है, इसका ये एक बहुत बहुत बुनियादी और बहुत मेरे ख्याल में बहुत जबरदस्त इनिशिएटिव है और ये इट मस्ट बी अप्रिशिएटेड। बहुत शुक्रिया जनाब। थैंक यू सो मच। वेरी आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। हमारे ब्रिटिश कोलंबिया का जो सूबा है, कनाडा की तरफ से उसको एशिया का गेटवे करार दिया जाता है। ब्रिटिश कोलंबिया के दिल्ली, मुंबई और चंडीगढ़ में तिजारत और सरमायाकारी के दफातर मौजूद है। माजी में यहाँ जो पाकिस्तानी कॉन्सुलेट है उसमें कमर्शियल अताशी की एक असामी थी जो अब खत्म हो चुकी है। क्या आप हमें बताना पसंद करेंगे कि उस बिल करीब में हुकूमत का, पाकिस्तानी गवर्नमेंट का वैंकूवर कॉन्सुलेट में कमर्शियल कॉन्सुलेट की असामी बहाल करने का कोई प्रोग्राम या इरादा है? जी बिल्कुल, इस पे काम तो हो रहा है। प्रपोजल एक दिया गया है कि जी एक जैसे एक सब ऑफिस होता है ना। अब इसमें मतलब आई मस्ट कन्फेस के ऑल्दो मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो है वो बहुत प्रोएक्टिवली इस पे काम कर रही है इकोनॉमिक डिप्लोमेसी पे, और मुझे फ़ख्र होता है ये कहते हुए कि जो हमारे इदारे के सरबराह हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, वज़ीर ख़ारजा, वो ऑन एन ऑन गोइंग परपेचुअल बेसिस ही स्पेयर हेडिंग दिस एफर्ट यू नो फॉर इकोनॉमिक डिप्लोमेसी। उन्होंने वेबिनार्स भी किए हैं और जूम मीटिंग्स विद यू नो डिफरेंट एम्बेसडर्स और इन डिफरेंट रीजन्स, हमारे साथ भी अभी होगी लेटर इन द ईयर। और उसमें मतलब है कि जी मुख्तलिफ प्रपोजल्स आइडियाज़ क्या हो सकता है, सिनर्जी कैसे क्रिएट करें। और डेफिनेटली उसमें मसलन अब जैसे मॉन्ट्रियल में वी हैड अ कॉन्सुलेट, वी स्टिल हैव अ कॉन्सुलेट जनरल, लेकिन वो पहले मतलब वो था एन एस्टेब्लिशमेंट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। फिर तो कॉमर्स मिनिस्ट्री ने वो पोस्ट उसको कमर्शियल काउंसलर की पोस्ट में कन्वर्ट करके तो वो टोरंटो में उसको ट्रांसफ़र कर दी। हमारे कुछ रिजर्वेशंस थे उसमें, लेकिन बहरहाल वो जो भी उनकी एक्सपीरियंस ही थी। इसी तरह वैंकूवर में भी पहले मतलब असामी थी, फिर उसको ख़त्म कर दिया गया। ये होते हैं मतलब बाज़ दफ़ा राइट साइजिंग होती है, डाउन साइजिंग होती है इकोनोमाइज करने के लिए, यू नो पोस्ट आर शिफ्टेड फ्रॉम हेयर एंड देयर। और डेफिनेटली एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म होना चाहिए, वो जो एक सीरियसनेस है ना, जिस तरह ब्रिटिश कोलंबिया के अपने मतलब ट्रेड ऑफिसेज हैं और इस तरह की चीज़ें हैं। तो हैविंग सेड दैट, ऑब्वियसली मतलब ब्यूरोक्रेसी हैज़ अ रोल टू प्ले। इन माई ओपिनियन ब्यूरोक्रेसी हैज़ टू प्ले एन एनेबलिंग रोल, और ब्यूरोक्रेट्स का, डिप्लोमेट्स का, ट्रेड प्रमोशन वाले लोगों का काम ये होना चाहिए कि दे शुड क्रिएट एन एनेबलिंग एम्बियंस, एक साजगार माहौल पैदा करने की कोशिश करके, लेकिन उसको जो है ना डोमिनेट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए प्रोसेस को। क्योंकि देखें इसमें जो है ना इंजन ऑफ ग्रोथ जो है वो बेसिकली प्राइवेट सेक्टर होता है, सो इनिशिएटिव लाइज विद द प्राइवेट सेक्टर। तो उसमें मैं ये ज़रूर अर्ज करूँगा आपके लिसनर्स को
कि आप जो है ना, पाकिस्तान इज रेडी एंड विलिंग एंड ओपन फॉर बिजनेस। तो उसमें ये है कि कोई भी जो इनिशिएटिव हो प्राइवेट सेक्टर की तरफ से, हम उसको इनक्रेज करने के लिए, प्रमोट करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और वाइल द यू नो एफर्ट्स टू यू नो क्रिएट दीज पोस्ट्स कंटिन्यूज, तो इसको हमें रेसिपी फॉर इन एक्शन नहीं बनाना चाहिए। आप मेरी अर्थ समझ रहे ना, कि ये नहीं कि जी क्योंकि जी वो कमर्शियल सेक्रेटरी नहीं है तो लिहाजा वो हम एफर्ट तब करेंगे कि जब होगा। आप समझ रहे ना। और इसी में मतलब इन दिस स्पिरिट आई वांट टू शेयर विद यू कि यहाँ आने के बाद मुख्तलिफ जो यहाँ पे हमारी बड़े फाल वो अंजुमने हैं, तंजीमें हैं, यू नो फॉर प्रोमोटिंग पाकिस्तान कैनेडा ट्रेड, तो उनके साथ भी मेरी यही एक इस्तेदा रही है शुरू से कि जी हमें वी हैव टू राइज अबव फोटो अपॉर्चुनिटीज एंड यू नो वॉक द टॉक। तो आइडिया ये कि जी कोई जो है ना कंक्रीट काम किया जाए। तो उस सिलसिले में मतलब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट का बड़ा स्कोप है, ट्रेड का बड़ा स्कोप है। तो एनीवन हु वांट्स टू यू नो विजिट पाकिस्तान, वी कैन सेट अप मीटिंग्स, यू नो फैसिलिटेट देयर मीटिंग्स। कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सर्टनली वी आर यू नो वील बी हैप्पी टू प्रोवाइड दैट। उसके साथ साथ ऑब्वियसली ये जो इंस्टीट्यूशनल स्टेप्स हैं, यू हैव अ पॉइंट, लेकिन मीन वाइल आई वुड अर्ज कि कोई आपकी क्वेरी हो ट्रेड रिलेटेड, जो हमने बात आपने देखा होगा, ये हमारी ई कचहरी में भी ये चीज़ सामने आई है कि कोई ऐसी चीज़ हो, डू सेंड अस द क्वेरी, यू कैन एड्रेस इट टू अस, वी कैन देन फॉरवर्ड इट टू आर कमर्शियल काउंसलर इन टोरंटो, और यू कैन अप्रोच हिम डायरेक्टली, क्योंकि ही इज़ बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। तो एनी जो क्वेरी मतलब है कि इन्वेस्टमेंट के बारे में, रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में, कोई मतलब है कि एनी लिंकेज विद एनी बिजनेस, सो वील बी यू नो हैप्पी टू प्रोवाइड दैट इंफॉर्मेशन, रेस्ट अश्योर। और मैं इस प्रोग्राम के एंड पे, बल्कि इस इंटरव्यू के एंड पे, उनकी जो ईमेल एड्रेस है या उनके जो फोन नंबर है उनके ऑफिस के, वो डेफिनेटली मैं लिसनर्स के साथ वो शेयर करना चाहूंगा। जी जी डेफिनेटली। मतलब दरअसल सिर्फ इसमें एक कॉमेंट मैं जरूर ऐड करना चाहूंगा। मैं बुनियादी तौर पर, मेरा जो प्रोफेशन है वो एग्रीकल्चर है, और अच्छा, मैं लुक आफ्टर कर रहा हूँ अपने जो मेरे सेल्स के टेरिटरीज हैं वो वेस्टर्न कैनेडा, और वेस्टर्न कैनेडा में जो हमारी जो पाकिस्तान को जो यहाँ से एक्सपोर्ट्स होती हैं, मतलब जिसमें डेंटल है, जिसमें चिक पीस है और बहुत कुछ है जो हमारे एग्रीकल्चर की एक्सपोर्ट्स हैं कनाडा की, पाकिस्तान उसका एक बहुत बड़ा बायर है। और लेकिन कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया जो प्रोविंस है, ये टूरिज्म के हवाले से सर्विस इंडस्ट्री और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा मरकज है। और जो होटल्स में जो हमारी ये जो हमारी टेक्सटाइल की मसनूआत है वो बहुत ज्यादा यहाँ पे एक अपनी जगह बना सकती हैं, इंशाल्लाह, और बनाएंगी, मुझे यकीन है अगले आने वाले दिनों में, महीनों, सालों में। तो इस चीज को और मजबूत करने की जरूरत है, और मैं 100% एज ए इंडिविजुअल, एज ए कम्युनिटी मेंबर, मैं आपकी इस बात से यकीनी तौर पर एग्री करूंगा कि जब तक वो कमर्शियल अताशी की असामी नहीं भी खुलती तो हमें एज ए कम्युनिटी आप लोगों के ताउन से इस पे बहुत ज्यादा और काम करना चाहिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। माशाल्लाह। एक सवाल अभी थोड़ा सा आप आगे चलते हैं कि कनाडा में इस वक्त दुनिया भर में तालिब इल्मों के लिए जो जगह है, और कनाडा उस हवाले से पूरी दुनिया में एक बहुत पुरकशिश जगह बन चुकी है। जो इमिग्रेशन, रेफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा की जो रिपोर्ट्स हैं उसमें ये बताती हैं कि दिसंबर 2019 तक कनाडा में कुल मिला के तकरीबन 6,42,479 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो थे वो मौजूद थे। लेकिन अगर हम इसका तकाबुल हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के साथ करें कि जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स कनाडा में आ रहे हैं, उसकी तादाद मुझे लगता है कि काफी कम है। हम कैसे मिलके, हमसे मुराद हम पाकिस्तानी डायस्पोरा और हमारे कॉन्सुलेट्स और हाई कमिश्नर मिलके, किस तरह हम इस तादाद में इजाफा कर सकते हैं कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स यहाँ आके तालीम हासिल करें? जी जी बिल्कुल। देखिए जी, इस सिलसिले में अब मेरी टेक इसमें यह है कि एक तो दिस हैज़ टू बी डन प्रोफेशनली। बाय प्रोफेशनली आई मीन कि हमारी जो बाज़ दफ़ा एक इंस्टिंक्ट होती है ना टू डू थिंग्स थ्रू आर कॉन्टैक्ट्स, फॉर इंस्टेंस चलें एक अनरिलेटेड एग्जांपल है, समबडी इज़ डिज़ायरस ऑफ परचेजिंग अ सर्टन प्रॉपर्टी, कि जी मैंने इस पे एक इंडस्ट्री कायम करनी है। तो अब सवाल ये है कि शुड इट बी डन थ्रू अ लॉयर और शुड इट बी डन थ्रू अ रिलेटिव। आपने बहुत से केसेस देखे होंगे ना,
कि जी मैंने ज़मीन ख़रीदी किसी कज़न के थ्रू तो फिर वो गायब हो गई, एक मिसाल है। अब इसमें ये है कि जो लोग जो मुवाजना होता है भारत के साथ और अवामी जमहूरिया चीन के साथ, उसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि डायस्पोरा ऑब्वियसली उनका बड़ा है यहाँ पे, ज़ाहिर पॉपुलेशन भी बड़ी है, अगर आप चीन और भारत की आबादी को मिला दें तो वो तकरीबन बेटर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन बन जाता है। तो इट वुड बी सर्टनली मतलब है कि नॉट एन एप्ट कंपैरिजन, यानी कि होना नहीं चाहिए। अच्छा, अब उसमें देखा ये गया है कि जो इंडिया से स्टूडेंट्स आ रहे हैं, इट इज़ प्रॉब्ली बीइंग डन इन अ स्लाइटली मोर ऑर्गेनाइज फैशन, इन द सेंस कि जैसे कंपनीज होती है ना, मतलब मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ कि आई सॉ दिस इन केनिया ऑल्सो वेर आई वॉज सर्विंग बिफोर कमिंग हेयर। तो बाकायदा मतलब एक कंपनीज होती हैं विच यू नो मैनेज दीज, जैसे होता है ना काउंसलिंग ऑफिस कह लें, या वो आपकी प्लेसमेंट करवा रही हैं एट यूनिवर्सिटीज़, एंड दे डोंट दे इवन चार्ज द यूनिवर्सिटीज़ आई सपोज, वो जैसे होता है ना कि जो कि वी आर गेटिंग यू द स्टूडेंट्स, एंड वो जो भी सर्विस फी होती है स्टूडेंट्स भी उनको पे करते हैं सारा कुछ। तो वो मतलब है कि एंड इट वर्क्स, मतलब उसमें आसानी हो जाती है। अब आगे आगे मसला जो ज़्यादा हमारे केस में जो साइट किया जाता है वो है कि जी वीज़ाज़ का रिजेक्शन रेट काफ़ी है, ये आपने अक्सर सुना होगा। अब उसमें ये है कि जहाँ तक गवर्नमेंट ऑफ कनाडा का सवाल है, तो ये नाइंसाफ़ी होगी, ये ना मानना होगा कि जी उन्होंने बहुत मतलब एक देखे ना स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम में हमें शामिल किया, उसके बाद हमें ये एक समझ लें कि इस तरह की शिकायत वसूल हुई, और बाज़ हलकों में ये भी कहा गया कि जी एक जो है ना क्या कहते हैं सिस्टेमिक बायस है पाकिस्तानियों के खिलाफ, और इसको जानबूझ के जो है ना हमारा रिजेक्शन रेट ज़्यादा रखा गया। तो हमने इसको बड़ा रोबस्टली टेकअप किया गवर्नमेंट ऑफ कनाडा के साथ, उन्होंने फिर हमें स्टेटिस्टिक्स दिखाए, अदाद व शुमार दिए, कि जिसमें उन्होंने कहा जी कि अपने रीजन में यू आर एट द थर्ड प्लेस, और इनफैक्ट SDS के बाद जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी बड़ा है, और रिजेक्शन रेट जो है वो भी वहाँ उसी तनासब से कम हुआ है। अब आगे सवाल ये है कि जी रिजेक्शन रेट क्यों है। अब एक तो मैं ये क्लैरिफाई कर दूं कि जो कौंसलर मतलब जो मैटर्स है ना जी रिलेटेड टू वीज़ा इमिग्रेशन, तो ये हर मुल्क का एक सॉवरन राइट है कि वो किसे एडमिट करे और किसे ना करे, तो इस पर क्लैरिटी की ज़रूरत है। तो ऑब्वियसली हमारी लिमिटेशंस उसमें है कि हम उस तरह कोई एक्टिविज्म तो नहीं कर सकते, ऑब्वियसली हम एक यू नो वी आर एन एक्रेडिटेड डिप्लोमेटिक मिशन, तो वी हैव टू यू नो रिस्पेक्ट लोकल सेंसिटिविटीज़ और जो उनका जो उनकी कॉम्पिटेंस में चीज़ें आती हैं, लेकिन बहरहाल हम इसको टेकअप ज़रूर करते हैं। तो उसमें ये है कि जो अब जो रिजेक्शन की बात है, तो हमें ये बताया गया है और मैं आपके साथ ये शेयर करूँगा कि जी उसमें इस तरह है कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं वीज़ा की उनको प्लीज़ सर्कमवेंट ना करें। मतलब मैं एज अ डेजिग्नेटेड हाई कमिश्नर आई हैड टू यू नो प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे होता है रिक्वायरमेंट है ना, कि उन्होंने कहा जी अच्छा आप अपना CV दें, तो आपने तो मतलब मुख्तसर सवाल पे इक्तफा कर लिया, तो मुझे बड़ी डिटेल बतानी पड़ी, आप ये समझ लें कि पैदाइश से लेके अब तक कि मैं कहाँ रहा हूँ कैसे रहा हूँ। तो ठीक है, आई रिस्पेक्टेड दैट, मैंने कहा जी ठीक है रिक्वायरमेंट है तो आई विल प्रोवाइड इट। तो इसी तरह की अगर कोई रिक्वायरमेंट है, या वो पूछ रहे हैं कि जी अच्छा यू हैव टू गिव प्रॉपर एविडेंस ऑफ लेट से दी एबिलिटी टू पे फॉर योर एजुकेशन, आप मेरी यार समझ रहे हैं ना। तो अब अगर आप एक मिसाल है वो सही कागज़ नहीं देंगे तो ऑब्वियसली दे विल फाइंड आउट, या अगर अब मुझे एक कैनेडियन दोस्त ने यह भी कहा कि जी बाज़ दफ़ा हमें ये लगता है कि कोई साहब बैठे हुए हैं किसी आप पारा टाइप जगह पे, और वो कागज़ छाप के बस सबको दे देते हैं कि यही सबमिट करवा दो, कि भाई ये कमें बड़ी एक रिमार्केबल सिमिलैरिटी नज़र आती है एप्लीकेशंस में, तो इन चीज़ों को भी अवॉइड करने की ज़रूरत है। होता है ना कि क्रेडिट दी अदर पार्टी विद ड्यू इंटेलिजेंस, और अगर वो मतलब है कि आपसे इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं तो उसको फुलफिल करें। हैविंग सेट दैट, कोई ये नहीं है कि हम इस पे बिल्कुल खामोश हैं, तो हम इसको बिल्कुल रेज करते हैं, और फिर हमने स्टेटिस्टिक्स भी इसीलिए मांगे, जिसके बाद फिर हमारे पास उस तरह वो आर्ग्यूमेंट नहीं रह गया, और लोगों को भी हम इनक्रेज करते हैं कि जी ठीक है आप अगर स्पेसिफिकली कोई ट्रेंड आपकी नज़र में है तो उसको,
उसमें ये है कि जो कंपनीज मेरे मेरे ख्याल में इसको जैसे है ना कि कंपनी के बेसिस पे कि फॉर इंस्टेंस जैसे हैविंग लाइक क्योंकि इंडिया में आई सपोज ये हो रहा है, आई एम श्योर यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे आपके पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, दे मस्ट बी डूइंग इट। चाइना से भी हो रहा है, तो मे बी पाकिस्तान के मेरे इल्म में नहीं है, कुछ इंडिविजुअल ज़रूर हैं, लेकिन दैट इज़ मोर ऑन एन इनफॉर्मल बेसिस। जैसे होता है ना कि जी मेरा भतीजा है तो मैंने उसको कहा जी आप मैकगिल में आ जाएं या ब्रिटिश कोलंबिया की यूनिवर्सिटी में आ जाएं, तो इट शुड बी डन लाइक एज अ कंपनी। आप मेरी अर्थ समझ रहे हैं ना, एज ए ऑर्गेनाइज एज एफर्ट। एन ऑर्गेनाइज एफर्ट कि जी ये कंपनी है, दिस इज दी सर्विस आई प्रोवाइड, यू कैन लियाज विद द यूनिवर्सिटी ऑल्सो विद पीपल यू नो विद एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन पाकिस्तान एज वेल। आई रिमेंबर एचएसएन कॉलेज में मतलब हमारा पूरा एक काउंसलिंग ऑफिस था एंड अ लॉट ऑफ माई क्लासमेट्स एंडेड अप एट MIT एंड हार्वर्ड जस्ट आफ्टर ए लेवल्स और यू नो ओ लेवल्स और ए लेवल्स। तो मैकेनिज्म था, अब मैं ये मतलब है कि 80s की बात कर रहा हूँ, अब तो खैर और ज़्यादा एडवांस हो गया। तो वो मतलब है कि इस तरह इनफॉर्मल बेसिस पे ना किया जाए कि जैसे है कि जी अच्छा आप अप्लाई करते हैं, देखी जाएगी, मिल गया तो ठीक है, ना मिला तो नॉट यू नो जी दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग। लोकल स्पॉन्सरशिप कैन प्ले अ रोल कि अच्छा जी जैसे मतलब पीपल कैन से कि जी अच्छा ये साहब आ रहे हैं एंड वील यू नो वील मैनेज हिज अपकीप और वट एवर। तो इसमें डेफिनेटली वी आर ओपन टू यू नो एनी आइडियाज दैट समबडी माइट हैव और इंशाल्लाह सिचुएशन बेहतर होगी। लेकिन ये है कि इससे पहले जो है ना मतलब है कि हमें सब्सटेंशियल इम्प्रूवमेंट फील हुई है, लेकिन अगेन मतलब है कि वी हैव टू सिफ्ट थ्रू द र्यूमर्स और जो भी आप कह लें कि जो एक होता है ना बाज़ दफ़ा टेंडेंशियस रिपोर्टिंग हो जाती है, तो वो फेयर नहीं होता टूवर्ड्स द होस्ट कम कि उनके जो अच्छे इकदाम हैं उनको हमें सराहना चाहिए और अप्रिशिएट करना चाहिए। मेरी बिल्कुल आप मुनासिब कह जी रहे हैं, और मेरी जाती लेवल पे भी, और हमने इस प्रोग्राम में इंटरव्यू भी किया था, एक नौजवान है यहाँ से, पाकिस्तान स्टूडेंट एसोसिएशन UBC के वो सदर हैं, प्रेसिडेंट जी हैं, तो मुझे उनके थ्रू और जाती तौर पे भी जानने का ये इतफाक हुआ है कि पिछले 2-3 साल में जी जो जी UBC में और SFU में आने की जो रेशियो है, हमारी जो यहाँ की दो मेन यूनिवर्सिटीज है उनमें पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के आने की रेशियो डेफिनेटली बढ़ी है। सो मैं इसमें ये डेफिनेटली जी ऐड जी जी करना चाहूंगा। बिल्कुल एक सवाल आगे जी जी बस अगर बढ़ाएं, उसमें यह है कि जैसे कैनेडा में ऑब्वियसली मतलब इमिग्रेशन के हिसाब से ये बहुत अट्रैक्टिव कंट्री है, और लेकिन अगर अगर हम देखा जाए तो जो हमारा जनूबी एशिया है उसमें से जो साउथ एशिया में इंडियंस की और पाकिस्तानियों की काफी सारी तादाद जो है वो यहाँ पे आती है, और मेनली ये इनका जो मरकज है वो ओंटेरियो है और ब्रिटिश कोलंबिया है। जी तो जो हमारा ये रेडियो स्टेशन है कनेक्ट 91.5 FM, साउथ एशियन कम्युनिटी इसके प्रोग्राम्स बहुत शौक से सुनती है, और फिर हमारा मेरा पैगाम पाकिस्तान, क्योंकि हम इसमें पाकिस्तानी म्यूजिक है, लिटरेचर है और गेस्ट है हमारे, उसको सुनने वालों की भी काफी तादाद जो है वो हमारे इंडियन सामीन की भी काफी है, और हम यहाँ पे बड़े मिलजुल के बहुत अच्छे तरीके से रह रहे हैं। लेकिन जनूबी एशिया की ये दो हरीफ ममालिक के माबीन जो देरीना मुखासमत है उसमें बहुत सारे रोल हम यहाँ पे बैठ के भी प्ले करते रहे हैं माजी में, और अगर देखा जाए कि इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान की जो खिदमात है, जो उन्होंने इकदाम उठाए हैं, जैसे करतारपुर कॉरिडोर खोलने का ये जो एक बहुत बड़ा माशाल्लाह एक इनिशिएटिव लिया गवर्नमेंट ने, बतौर हाई कमिश्नर पाकिस्तान आप इस हवाले से कैसे देखते हैं और क्या तजवीज देना चाहेंगे कि इन दोनों मुल्कों को करीब लाने में, अमन की तरफ लाने में क्या किरदार अदा किया जा सकता है, हम जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी या इंडियन बस रहे हैं। जी जी बिल्कुल। देखें इसमें मैंने मतलब मुख्तलिफ मौके पे गैदरिंग्स में विनीपैग में मसलन मुझे याद है, यहाँ भी गैदरिंग्स में तो मसला कश्मीर का जिक्र किया, और कुछ हमारे भारतीय दोस्त थे जिनको थोड़ा मायूब भी लगा। लेकिन उसमें अब ये है कि मामला देखें सिंपली द सिचुएशन इज देयर फॉर एवरीवन टू सी, ठीक है ना, उसमें मेरी एडवोकेसी को साइड पे कर दें या हुकूमती जो हमारा स्टैंड है उसको छोड़ दें, आप सिंपली क्लिनिकली देख लें कि ये जो भी वाकयात भारत और पाकिस्तान के माबैन हो रहे हैं, पुलवामा वाला मामला, फिर जिस तरीके से मकबूजा जो कश्मीर है, इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ पे जो इंसानी हकूक के साथ जो हो रहा है, जो उसके अलावा माइनॉरिटीज़ के साथ जो किया जा रहा है,
अभी जो सिखों के साथ, एंड आई एम श्योर आपके रीजन में बहुत से सिख बरादरी के लोग हैं, उनके आंखें यू नो आंखों से आंसू और दिल से खून बह रहा होगा देख के कि किस तरीके से फार्मर्स प्रोटेस्ट को वहाँ पे हैंडल किया जा रहा है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि जो बैरून मुल्क रहने वाले भारतीय हैं उनका रोल बहुत अहम है कि अपनी हुकूमत को ये बावर कराना कि आप एक बबल में नहीं रहते, जो भी आपकी एक परसेप्शन है अपने बारे में या जो भी आपकी फ़िलासफ़ी है, मे बी वो फ़िलासफ़ी चंद मिलानिया पहले उसकी कोई रेलिवेंस होगी लेकिन अब नहीं है। तो अब ये अगर आप अपनी इमेज में रीकास्ट करना चाहते हैं हिंदुत्व यू नो मिथोलॉजी और आइडियोलॉजी से, तो वो बात बनेगी नहीं, दुनिया में उसका कोई टेकर नहीं है। अभी आप देखें ना कोई, और फिर अगर जैसे ये वाइट सुप्रीमेसिस्ट आइडियोलॉजी है तो उसको भी एक जवाल का सामना है। लोगों ने ये देख लिया है कि इस तरीके से आप एक अपनी ही आबादी पे जो है ना के साथ हालत जंग में रह के मुल्क की जो है वो तरक्की को इंश्योर नहीं कर सकते। तो इसमें दूसरी तरफ आप देखें एकदम आत हुकूमत पाकिस्तान की अभिनंदन की वापसी से ले के जो हमारी यू नो स्टैंडिंग ऑफर है कि जी आप मतलब है कि वी आर रेडी टू टॉक यू नो टू फॉर पीस एनी टाइम, उसका वज़ीर आज़म साहब बारहा कह चुके हैं, वज़ीर ख़ारजा उसको रीट्रेट करते रहते हैं। करतारपुर कॉरिडोर का आपने ज़िक्र किया जी, तो इससे हमारे इंटेंशंस का अंदाज़ा होता है। और फिर ये है कि माइनॉरिटीज़ की यू नो बेटरमेंट के लिए काम, जो हिंदू बरादरी के लोग हैं उनकी मतलब है प्लेसेस ऑफ वर्शिप की प्रोटेक्शन एंड सो ऑन सो फोर्थ। आइडियल नहीं होगी सिचुएशन, मैं ये नहीं कहता कि वहाँ बहुत बागोबार हो गया मामला, लेकिन आर हार्ट इज़ इन द राइट प्लेस। हमारे से कोताहियाँ हो सकती हैं लेकिन हमारा फ़लसफ़ा ये नहीं है कि हमने माइनॉरिटीज़ को सब ह्यूमन समझना, ये बहुत एक अहम फ़र्क है। और वैसे भी देखें मतलब है कि हमारे एज मुस्लिम्स मतलब मुसलमान के तौर पे हम रेसिज्म को डिस्क्रिमिनेशन को किसी भी फॉर्म में जस्टिफाई कर ही नहीं सकते। अगर हमारा दिल चाहे भी, अगर इफ़ वी आर मिसगाइडेड इनफ, तो मज़हब हमें अलाउ नहीं करता। अब मैं इसमें कोई लॉन्ग विंडेड डिस्कोर्स या कोई क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहता किसी आइडियोलॉजी का या फिलोसफी का, लेकिन ये है कि डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले। तो डायस्पोरा का भी रोल है और फिर लोकल्स का भी रोल है। मैंने कई कैनेडियन से ये बात की है कि जी आपका अगर स्टेक है लेट से इंडिया में, मतलब आप कहते हैं जी कि भारत इकोनॉमिकली एक बहुत अहम मुल्क है और यकीनन है, इसमें कोई शक नहीं है। तो चलिए अगर आप एक कैनेडियन इन्वेस्टर हैं और आपकी कोई इन्वेस्टमेंट है भारत में, तो आप नहीं चाहेंगे कि वहाँ पर अमन हो ताकि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ़ रहे, तो उसके लिए जाहिर है कि पीस कैसे होगा। मतलब पीस, ड्यूरेबल पीस तो तभी होगा ना कि जब कोर इश्यूज जो हैं उनको एड्रेस किया जाएगा। और जो पिवोटल मतलब कोर इशू है वो पाकिस्तान इंडिया के दरमियान मसला कश्मीर है, उसको साइडलाइन करके, और अगर हम उसको ग्लॉस ओवर करते हैं या उसको अहमियत नहीं देते, या जो एक फीलिंग ये होती है अवाम को और जो बाकी इंटरेस्टेड लोग हैं उनको ये फीलिंग होती है कि जी ये एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज है और ये पाकिस्तान इंडिया के जो सफारतकार हैं और जो इनके हुकाम हैं ऑफिशल्स हैं बस ये बातें करे जा रहे हैं और कुछ हो नहीं रहा, तो क्या उससे जो इंतहा पसंदी वाला नैरेटिव है उसको स्ट्रेंथन मतलब उसको स्ट्रेंथ मिलेगा ना तेरी, क्योंकि ये बेकार है तो लेट्स रिजॉर्ट टू वायलेंस। तो हमारी ये बिल्कुल कोशिश है कि हम वो पीस के नैरेटिव को आगे प्रमोट करें, और क्योंकि स्टेक्स आर वेरी हाई, देखें ना न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज हैं, द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एनी आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट आर डेवस्टेटिंग, और वो पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लेगी। वो ये नहीं होगा कि अगर आप ब्रिटिश कोलंबिया में बैठे हैं और पाकिस्तान इंडिया के दरमियान खुदा ना खास्ता स्कर्मिश हो गई है या ऑल आउट हॉस्टिलिटीज़ हो गई हैं तो उसका असर यहाँ तक नहीं आएगा, डेफिनेटली आएगा। और आप देखें ना कि मोस्ट पॉपुलस रीजन है वो दुनिया का, चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, आप जरा इनकी आबादी जमा कर लें तो कितनी ज़्यादा बन जाती है। सो द स्टेक्स आर वेरी हाई। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान एज अ रिस्पॉन्सिबल इंटरनेशनल प्लेयर
as the only country which has the distinction of prevailing against you know terrorism, especially this urban guerrilla warfare kism ke jo tactics hain. So Pakistan is knows you know the value of peace and is committed to promoting peace. और हमें हमारे लिए थेरेटिकल मामलात नहीं हैं. हम एज अब आप ये देखें ना कि हमने मतलब 7 दफ़ा जो सलामती काउंसिल में सर्व किया है. आई हैड दिस ऑनर माई सेल्फ यू नो टू बी अ पार्ट ऑफ द टीम. ये जब हमारी मेंबरशिप थी वहाँ पे 2012-13 में, तो बड़ी आप जाके इंडिपेंडेंटली वेरीफाई कर सकते हैं कि पाकिस्तान की किस तरह की कंट्रीब्यूशन है पीस कीपिंग ऑपरेशंस में. यू नो जो फ्लैगशिप एक्टिविटी है यूएन की, उसमें हमारा बड़ा रोल है और हर जगह हमने प्रमोशन ऑफ पीस की बात की है. तो और अमन के बगैर मेरे ख्याल में दुनिया तरक्की नहीं कर सकती. आप जी कर ही नहीं सकती ना. देखिए ना, जहाँ भी मतलब यहाँ भी जब हम एक मिसाल है, कहीं अगर राइटिंग हो जाती है किसी वजह से, रेशियल टेंशन या कोई, तो उससे उसके बाद फिर बिजनेस एज यूजुअल तो नहीं हो सकता ना. Absolutely, absolutely. तो ये अभी और ऑब्वियसली दिल तो चाह रहे हैं अभी और सवालात किए जाए, बात की जाए, मुख्तसर से एक दो सवालात. जी जी जरूर. दुनिया में बहुत सारी जगहों में रहे, तो रजा बशीर तारर साहब की जो फेवरेट जगह है, जो जब आप बाहर रहे हैं इतने सारे मिशन को आपने लीड किया है, तो आपको अब तक का सबसे अच्छा शहर, सबसे अच्छा मुल्क या जगह कौन सी लगी? देखें जी, मैं तो पाकिस्तान का नमक खा रहा हूँ. क्या बात. तो मुझे तो हर हाल में अपना वतनी अच्छा लगता है और नो प्लेस लाइक होम. क्या बात. बाकी ये कि दुनिया में हम हर जगह जाते हैं एज यू नो इंटरनेशनल सिटीजन्स और ये वो, और किसी भी मतलब मेरे ख्याल में मुवाजना अनफेयर होता है, क्योंकि हर जगह की एक अपनी तो मतलब है कि बायस के बगैर and you know without using your own values as a yardstick, you have to try and understand different cultures, logon ki sensitivities aur unke nukta nazar ko samajhna, appreciate karna, apne ko bhi apna bhi dena, lekin in a way ki wo aapke stance ke liye appreciation develop kar sake. लेकिन अगेन हाँ, लेकिन ये है कि कंपैरिजंस नहीं करने, मतलब है कि जी ये अच्छा है वो अच्छा है, वो तो रिलेटिव है ना, वो तो फिर टूरिस्ट ब्रोशर्स में होता है. Exactly. अच्छा जी, बहुत लेकिन बात की. और ब्रिटिश कोलंबिया और जो हमारे बाकी 3 प्रोविंसेस हैं, इसको हमारे मेरा पैगाम पाकिस्तान को अब काफी वाइडली सुना जाता है फिर इंटरनेट के थ्रू, और लोकल तो खैर यहाँ पे ट्यून इन करते हैं. क्या आप आखिर में एक पैगाम देना चाहेंगे? मेरा पैगाम पाकिस्तान पे क्या आपका पैगाम होगा हमारे सुनने वालों की? जी जी बिल्कुल. देखें जी, जो हमारे पाकिस्तानी माशाल्लाह ओरिजिन के लोग रह रहे हैं कनाडा में मुख्तलिफ हिस्सों में, तो माशाल्लाह बहुत उनका अच्छा और काबिल तहसीन रोल है यहाँ की ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में. तो एक तो मैं ये कहूँगा कि कीप अप द गुड वर्क, अपनी जो है ना रिमेन एंगेज्ड इन द सिस्टम, और ये है कि वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ कैनेडा, जो ऑब्वियसली आपका अडॉप्टेड होम है, जिन्होंने बहुत आपको पजीराई दी है, और ये वतन अजीज़ को ना भूलें, और यकीनन खैर आप भूले भी नहीं हैं, इसमें मेरी कोई ताकीद की ज़रूरत नहीं है. जो हमारे यहाँ डायस्पोरा है उन्होंने हमेशा वतन अजीज़ की किसी भी कॉल पे लबैक कहा है, कोई फ़ंड रेजिंग हो, कोई और मसला हो, तो बिल्कुल दे रिमेन एंगेज्ड. तो ये है कि हैव रिमेन ऑप्टिमिस्टिक यू नो अबाउट पाकिस्तान. इंशाल्लाह पाकिस्तान इज़ हेयर टू स्टे एंड प्रोग्रेस एंड टू यू नो एंड टू राइज टू इट्स ड्यू प्लेस इन द कमिटी ऑफ नेशंस. इंशाल्लाह उसमें आप पूरी जो है ना उम्मीद कायम रखें. और बाकी ये है कि जो बाज़ दफ़ा कुछ प्रोपेगेंडा मनफी ख़बरें वगैरह, डोंट पे एनी अटेंशन टू देम. इंशाल्लाह पाकिस्तान विल यू नो गो फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ. और ये है कि इन तमाम मसरूफियात में आपकी यहाँ माशाल्लाह बड़ी अच्छी ज़िंदगी है, तो अपने कश्मीरी बहनों भाइयों को भी याद रखें, जो बहुत इस वक्त कसम पुरसी की और बहुत जबर व इस्तबदाद के नीचे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, और उनके लिए जो है ना सेंसिटाइज करें अपने जो लोकल आपके इंटरलोकेटर्स हैं, मिलने वाले हैं, उनको इस चीज़ को बावर करवाएं.
कि वहाँ पे क्या हो रहा है, और उसके अलावा पाकिस्तान की जो कंट्रीब्यूशन है टू वर्ल्ड पीस उसको भी उजागर करेंगे। और विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू गॉड स्पीड, अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो, आपको अपने ज़ुमान में रखे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये थे नाज़रदा बशीर तारर साहब, उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, ये इंटरव्यू पसंद आया होगा। आपका कोई भी फीडबैक हो हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा।